गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपका पुनः स्वागत है। जनसंख्या भूगोल की श्रृंखला में हमने जो जनसंख्या भूगोल से संबंधित जो सिद्धांतों के संदर्भ में, सबसे पहले हमने माल्थस के सिद्धांत की बात की, उसके बाद जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को थॉमसन एवं नॉटस्टीन द्वारा जो प्रतिपादित किया उसको हमने एक्सप्लेन किया। आज हम जनसंख्या से संबंधित जो अन्य विद्वानों के द्वारा जो समय समय पर जो सिद्धांत दिए गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ विद्वान माल्थस की जो जनसंख्या का सिद्धांत था उससे सहमत थे और कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन माल्थस के सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सबसे पहले हम रिकार्डो का जो पॉपुलेशन की जो थ्योरी थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ रिकार्डो का जो सिद्धांत था वो जो बाजार के जो स्टैंडर्ड होते हैं, बाजार के जो मापदंड होते हैं, नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ मार्केट सिस्टम के ऊपर इसका सिद्धांत आधारित था। कई बार जो वस्तुनिष्ठ जो एग्जाम्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होती हैं, वहाँ पूछा भी जाता है कि रिकार्डो का पॉपुलेशन जो थ्योरी थी उसका बेस क्या था, तो वो बाजार मापदंड पर आधारित सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया। रिकार्डो ये कहता है कि जो श्रम होता है, जो लेबर जो होती है, वो एक तरह से वस्तुओं की तरह ही उसको एक गुड के रूप में शामिल किया जाता है, बाजार की एक वस्तु के रूप में उसको शामिल किया जाता है। और मनुष्य जो कि एक इकोनॉमिक मैन है, अपने जो इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है रिकार्डो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जनसंख्या और जो लेबर जो होती है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इन्होंने जो श्रम जो है, लेबर जो है, उसको एक बाजार का एलिमेंट या एक उसका तत्व माना, एक वस्तु मानी, और वो किस तरह से बाजार से प्रभावित होती है और उसका प्रभाव जनसंख्या के ऊपर क्या पड़ता है। यानी जो श्रम होता है वो बाजार का एलिमेंट है, लेकिन श्रम की आपूर्ति का जो संबंध है वो जनसंख्या की वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब श्रम की मांग बढ़ती है, लेबर की जब मांग बढ़ती है, तो मजदूरी जो है, जो मजदूरी है उसकी जो दर जो होती है, रेट जो होती है, वेज की जो रेट होती है, उसमें भी वृद्धि होती है। और मजदूरी में जब जैसे ही वृद्धि होती है, यानी आप जब लेबर करते हो, आपको लेबर के लिए अच्छा पैसा मिलता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि जो लेबर होता है उसकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। और श्रम की आपूर्ति, लेबर की आपूर्ति के लिए धीरे धीरे जो जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाती है। और जैसे जैसे श्रमिकों की जो संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लेबर की जो आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो मजदूरी जो होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर हो जाती है। और उस श्रम की मजदूरी के कम होने के साथ साथ स्वतः ही जो जनसंख्या होती है वो प्राकृतिक रूप से स्थिर होना शुरू हो जाती है। इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो रिकार्डो के द्वारा रखा गया। और उन्होंने ये कहा, रिकार्डो का ये मत था कि मजदूरी की जो दर होती है वो श्रम की आपूर्ति यानी जनसंख्या वृद्धि व पूंजी के एकत्रीकरण के ऊपर निर्भर करती है। यानी यदि श्रम की आपूर्ति कम है और श्रम की डिमांड है, तो मजदूरी की जो दर होगी वो ज़्यादा होगी। और तात्कालिक मजदूरी की दर के आधार पर, क्योंकि श्रम की आपूर्ति करना आवश्यक है जिससे आय को हम बढ़ा सकते हैं, पूंजी का एकत्रीकरण हम कर सके, तो जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलेगी। जबकि जब लेबर को, जिन लेबर जो मिलती है या मजदूरी की जो दर है, जो रेट है, जब श्रम की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो उसकी दर जो है वो कम हो जाती है। और उसका परिणाम ये होता है कि उसके बाद प्राकृतिक रूप से यहाँ जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो नियंत्रित होना शुरू कर देती है। यानी मजदूरी की जो दर है वो श्रम की आपूर्ति को, और श्रम की जो आपूर्ति जो कि जनसंख्या वृद्धि के द्वारा तय हो रही है, उसके द्वारा
जो लेबर की जो दर है या श्रम की जो दर है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही श्रम की दर कम होती है, मजदूरी की दर कम होती है, तो जनसंख्या की वृद्धि भी रुकना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो रिकार्डो का जो मत है पॉपुलेशन के संदर्भ में, ये एक तरह से श्रम को बाजार का तत्व मानते हुए जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। दूसरे जो विद्वान थे बहुत महत्वपूर्ण जो इन्होंने योगदान दिया वो थे सैंडलर, और इनका जो थ्योरी थी उसको हम बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, या जनसंख्या का जैविक सिद्धांत के रूप में भी उसको हम स्पष्ट करते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछ जाता है कि बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कौन से विद्वान के द्वारा दी गई, तो वो सैडलर के द्वारा दी गई। इनका जो सिद्धांत था वो बेसिकली डेंसिटी और फैकुटेटिव प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था, यानी घनत्व और संतान उत्पादकता की बात जब हम करते हैं उसके ऊपर इसका सिद्धांत निर्भर करता था। और ये इनकी जो बुक थी जिसके अंदर इस सिद्धांत को उन्होंने स्पष्ट किया, उस बुक का नाम था लॉ ऑफ पॉपुलेशन, और इन्होंने ये कहा कि मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा का निर्धारण जनसंख्या घनत्व के आधार पे तय होता है। यानी जिस प्रदेश देश के अंदर जनसंख्या घनत्व जितना ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर होगी वो उतनी ही कम होगी। और इन्होंने ये कहा कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, यानी जितनी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी में वृद्धि होगी, वो जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो कम हो जाएगी। इन्होंने ये कहा कि अगर अन्य कारकों को हम छोड़ भी दें तो इन्होंने ये कहा कि अन्य कारकों के समान रहने की अवस्थाओं में भी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उस जगह पे आकर, यानी एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आता है जब वो जनसंख्या की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, जब लोगों के जन कल्याण और खुशहाली की जो एक सेचुरेशन का जो लेवल होता है उससे अगर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या ज्यादा होती है तो पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो नियंत्रित या कम होना शुरू हो जाती है। इन्होंने ये स्पष्ट किया सैडलर के द्वारा कि मनुष्य की जो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति होती है या संतान उत्पादकता की जो क्षमता होती है वो जर्जरता उन पीड़ा से नहीं बल्कि आनंद और खुशहाली से प्रभावित होती है। इनका जो तात्पर्य ये था कि जनसंख्या कम होगी तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होगी वो पर्याप्त होगी, मनुष्य की जो बेसिक जो नीड्स होती हैं उसकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी, तो मनुष्य उस लेवल तक ही अपनी जनसंख्या की वृद्धि को अपनाना चाहेगा जिससे कि उसकी जो हैप्पीनेस है, जो खुश रहने का है, या संसाधन की जो अवेलेबिलिटी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होगी तो संसाधनों के ऊपर बोझ होगा, और जनसंख्या संसाधनों के ऊपर बोझ होता है तो लोगों की इनकम के ऊपर, रहन-सहन के स्तर पर, उनकी आय के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और इस स्थिति में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कम होना शुरू हो जाती है। इन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या घनत्व तो जितना ज्यादा होगा जनसंख्या में वृद्धि की जो दर होगी या संतानोत्पादकता की जो क्षमताएं जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो कम होना शुरू कर देती हैं। इसी बात को ये कहना चाहते हैं कि जनसंख्या घनत्व एक निश्चित मात्रा में संसाधनों के दृष्टिकोण से अगर पर्याप्त है तो वहां तक जनसंख्या वृद्धि को हम देख सकते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि से तो लोगों की आवश्यकताओं के लिए जो बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, संसाधनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो रुक जाएगी। इन्होंने साफ कहा एट वेरी स्टेप द प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एज आई कंटेंट वुड पॉज एट द प्रिसाइज पॉइंट वेयर इट हैड सिक्योर द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, यानी जब उस डिग्री ऑफ हैप्पीनेस की बात ही कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा या उसके जो एक खुशहाली का जो स्तर होता है उससे अगर ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि होगी तो वह मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी। पॉसिबल डिग्री ऑफ हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वो जनसंख्या के स्तर के द्वारा तय होगी, ऐसा रिकॉर्डो का जो है वो मानना है, जिसको हम एक तरह से बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अन्य जो विद्वान थे जो उन जिनको हम थॉमस डबलेडे के नाम से जानते हैं
और इसका जो सिद्धांत था थॉमस डबलडे का, वो उसको हम आहार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो विद्वान जिन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने ये कहा कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि को इन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति से या आहार से जोड़कर देखा, और इन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या का वृद्धि का जो खाद्यान्न आपूर्ति या पूर्ति जो होती है उससे प्रतिलोमात्मक संबंध या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जनसंख्या की वृद्धि होगी तो खाद्यान्न आपूर्ति में कमी होगी, या खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि होगी तो जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कम हो जाएगी। यानी उल्टा संबंध है जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में, जो आहार सिद्धांत या थॉमस डबलडे के द्वारा दिया गया। इन्होंने ये साफ कहा जिस समाज में जीवन यापन कठिन हो, यानी जहाँ जीवन जीना मुश्किल होता है, यानी आवश्यकताएं आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जहाँ जीवन में संघर्ष है, वहाँ प्रकृति जन्म दर को बढ़ाकर इसकी क्षतिपूर्ति करती है। यह थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जीवन यापन कठिन है, जीवन संघर्षमय है, फिर वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि की बात इन्होंने करी। इनका तो दृष्टिकोण ये था कि जनसंख्या की वृद्धि को इन्होंने एक तरह से लोगों की जो एक तरह से जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं या उनकी जो आय है या उस तरह की चीज़ों से इन्होंने उसको जोड़कर देखा। और ये साफ कहते हैं कि इस संघर्षमय जो जीवन होता है तो उसको उसके लिए जो एक तरह से इनका जो आय में वृद्धि को ये जनसंख्या वृद्धि से देखकर जोड़ते हैं, और यानी इस संघर्षमय जीवन को या इसकी इसको दूर करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये अपने जन्म दर को बढ़ा देते हैं। यदि जीवन यापन सरल है, यानी आप आसानी से आपको चीज़ की अवेलेबिलिटी है, मृत्यु का जो दबाव है वो कम है, तो वहाँ पर प्रकृति की प्रजननता को स्वतः घटा देती है या संतुलन कायम कर देती है। ये बिल्कुल उल्टी एक तरह से इस तरह का दृष्टिकोण है कि जिन क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति अच्छी है उन क्षेत्रों में वृद्धि दर जो है वो निम्न स्तर की है, जबकि जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति कम होती है वहाँ लोग गरीब हालत में रहते हैं, और गरीब जो आदमी होता है उसके लिए आय का जो स्रोत जो होता है वो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, यानी जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ही वो लेबर करेगा और उतनी ही उनकी आय होगी। इस तरह का जो दृष्टिकोण था वो थॉमस के द्वारा दिया गया, और गरीब की जो हालत में जो होता है व्यक्ति वो अपनी आय को या अपने खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए वो जनसंख्या के अंदर वृद्धि करता है, और जनसंख्या जो है निरंतर उसमें वृद्धि की जो प्रवृत्ति है हमें देखने को मिलती है, ऐसा थॉमस डबलडे का मानना है। और ये साफ कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न जो आपूर्ति है, आहार की जो आपूर्ति है उसके अंदर प्रतिलोम या इन्वर्सनली जो प्रोपोर्शनली जो इन्वर्स कोरिलेशन जो है, उल्टा जो संबंध है, वो व्यतिक्रमानुपाती जो संबंध जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। यानी जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है तो खाद्यान्न आपूर्ति कम, या खाद्यान्न आपूर्ति पूर्ति अगर ज़्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो नकारात्मक होगी, ऐसा इनका मानना है। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, इनका जो सिद्धांत था उसको हम प्रजनन सिद्धांत कहते हैं, और यहाँ सामाजिक और जैविक विकास पर प्राकृतिक शक्तियों को जो प्रभाव होता है, जो नेचुरल जो पावर्स जो होती हैं उनको यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या वृद्धि के जो प्राकृतिक जो नियम होते हैं उनको इन्होंने यह वर्णन किया, और इनका ये मानना था कि एक जनसंख्या जो होती है एक प्राकृतिक नियम है, और मानव को जनसंख्या नियंत्रण के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। यानी मनुष्य स्वतः जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करता, जो प्रकृति है वो जनसंख्या के नियंत्रण का काम करती है। और ये साफ कहते हैं कि मानव व्यक्तिगत वैज्ञानिक और आर्थिक विकास व्यस्त होता है जैसे ही उसकी जनसंख्या वृद्धि में रुचि कम होती जाती है। यहाँ आप जब ये व्यक्तिगत वैज्ञानिक और आर्थिक विकास की बात करता है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या जो वृद्धि जो हमें देखने को मिलती है, स्पेंसर का ये स्पष्ट मानना था कि जब एक वैज्ञानिक सोच या नवाचारों का जो प्रसार होता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब ज़्यादा होता है तो वो अपने अपने कार्यों में, अपनी जो अन्य गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ रहता है, और उस स्थिति में उस जनसंख्या का जो भी लोग हैं
जो इंटेलेक्चुअल लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, एक वैज्ञानिक सोच को प्राप्त कर चुके हैं, जिनका आर्थिक स्तर बेहतर होता है, वो जनसंख्या की में वृद्धि में रुचि नहीं लेते हैं। या इन्होंने साफ कहा, हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि जितना ज़्यादा व्यक्तिगत विकास होता है, वहाँ पर प्रजनन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो उतना ही नकारात्मक होता है, या एक तरह से व्यक्तिगत विकास और प्रजनन क्षमता के अंदर एक इनवर्स कोरिलेशन या व्यतिक्रमानुपाती जो संबंध है वो हमें देखने को मिलता है। एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं या डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे व्यक्तिगत जो वैज्ञानिक विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है, जहाँ पर लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, वहाँ जो लोग होते हैं, वहाँ जो जनसंख्या वृद्धि के अंदर उनकी जो रुचि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या उनका काम के प्रति, अपने बेहतर जीवन स्तर के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। जैसा कि जो गरीब और अंडर डेवलप्ड जो या डेवलपिंग जो कंट्रीज होते हैं, और जहाँ पर हमें एक अलग तरह का एक सामाजिक जो ताना बाना देखने को मिलता है, उसकी विपरीत स्थिति हमें यहाँ जो विकसित और जो नवाचारी जो देश होते हैं वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो स्पेंसर का ये मानना है कि वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास और आर्थिक विकास जहाँ बेहतर होता है, वहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो कम हमें देखने को मिलती है। ये प्रजनन जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। अब यहाँ हर्शिन ड्यूमोंट की बात करें, तो इन्होंने भी जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसके ऊपर अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने जो फ्रांस की जनसंख्या के आनुभविक एम्पेरिकल अध्ययन के आधार पर इनका जो विचार इनके द्वारा दिया गया, और एक ये जो सोशल कैपिलरी बेस्ड इनका जो प्रिंसिपल था, जो एक कोशिकीय जो सिद्धांत होता है, जो एक बेसिक साइंस के अंदर हम पढ़ते भी हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं, जो जड़ से जो पानी पूरे पेड़ तक जो पहुंचता है, तने तक जो पहुंचता है, वो एक कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा ऊपर तक जाता है। इन्होंने यहाँ इस कैपिलरी या सोशल कैपिलरी की जो कॉन्सेप्ट है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ के देखा, और इन्होंने ये साफ कहा कि मानव जब निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जाता है, तो यहाँ निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का जो आधार जो है वो वैज्ञानिक व्यक्तिगत विकास से है, उनके आर्थिक डेवलपमेंट से है, उनके वैज्ञानिक सोच में परिवर्तन से है। इस तरह का जो दृष्टिकोण, वो जब उच्च वर्ग में जाता है तो उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसका जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो प्रजनन क्षमता के ऊपर देखने को मिलती है, यानी व्यक्तिगत विकास या उच्च वर्ग में जाने पर प्रजनन क्षमता के प्रति जो एक ह्रास का जो दृष्टिकोण है वो हमें देखने को मिलता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जनसंख्या में वृद्धि में गिरावट की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि हर्शिन ड्यूमोंट के द्वारा कहा गया। यहाँ इन्होंने कहा कि व्हाट ग्रेविटी इज टू द फिजिकल वर्ल्ड, जिस तरह से एक गुरुत्वीय जो सिद्धांत एक फिजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंस रखता है, वैसे ही कैपिलरिटी इज टू द सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक स्तर के अंदर वही स्थान जो है वो किसकी है, जो जो संकल्पना है उसका है। द डेवलपमेंट ऑफ नंबर इन ए नेशन इज इन इनवर्स रेशियो टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ये जो विकास की जो बात इन्होंने करी वो, और जो जो प्रजनन की बात जो की जाती है, जनसंख्या वृद्धि की जो बात की जाती है, इसके अंदर भी एक व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध है हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी किसी भी देश में व्यक्तिगत विकास और जनसंख्या वृद्धि के अंदर उल्टा संबंध देखने को मिलेगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी देश में व्यक्तिगत विकास होगा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि उतनी ही कम हमें देखने को मिलेगी। जिन समाजों में सोशल जो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कठोर होता है, इसका जैसे भारतीय जैसे विकासशील राष्ट्रों की बात करें, जहाँ सामाजिक संरचनाएं बड़ी जटिल हैं, जहाँ पर जो एक तरह से वैज्ञानिक जो सोच है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है और रूढ़िवादिताएं ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पर जो सामाजिक केशिकीयता की जो जो कैपिलरिटी की बात इन्होंने करी या सोशल कैपिलरी की बात जो की वो उतनी ही
कम सक्रिय होती है, यानी एक निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ जाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो उतनी ही कम सक्रिय होती हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर जो है प्रजनन दर जो होगी वो उच्च हमें देखने को मिलेगी, और उसका प्रभाव ये होगा कि वहाँ की जो जनसंख्या में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो हर्शिन ड्यूमोंट का जो विचार था वो एक तरह से वैज्ञानिक जो सोच को दिखाता है, किस तरह से एक सोशल कैपिलरी की जो बात इन्होंने करी, किस तरह से निम्न स्तर से उच्च स्तर की जाने की बात ये करता है, यानी निम्न स्तर पर एक कठोर सामाजिक नियंत्रण, कठोर सामाजिक संरचनाएं, जहां रूढ़िवादिता का प्रभाव ज़्यादा है, जहां सामाजिक संरचनाओं के अंदर जो एक मेल और फीमेल के दृष्टिकोण में एक व्यापक अंतर हमें देखने को मिलता है, वहीं जो उच्च वर्ग जो होता है वहां पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्तर को बेहतर बनाने की बात करता है, तो वहां वो अपने संसाधनों को व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देता है, न कि जनसंख्या वृद्धि को। तो वहां पर प्रजनन का ह्रास और जनसंख्या वृद्धि में गिरावट हमें देखने को मिलती है, ऐसा हर्शिन ड्यूमोंट का मानना था। इसी तरह के जो विचार है जो हेनरी जोर्ज के द्वारा गया, जिसे सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा विस्तार से समझने की बात नहीं है। ये भी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उसको सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर से जोड़ के देखना चाहते हैं, और जहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति जो होती है वो हमें उसमें ह्रास की जो प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो थ्योरीज दी गई, आपसे जो सवाल है वो अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या से संबंधित दिए गए विभिन्न विद्वानों का के विचारों का आप वर्णन प्रस्तुत कीजिए, या मेरा ये मानना है कि विभिन्न जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नेट की एग्जाम हो या विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीजी लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर इस तरह के सवाल ज़्यादा होते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी कौन से विद्वान के द्वारा दी गई, जो हर्शिन ड्यूमोंट का जो पॉपुलेशन के संदर्भ में जो विचार दिए गए वो किस के ऊपर बेस्ड, जैसे सोशल कैपिलरी की बात हमने यहाँ करी, स्पेंसर की बात करते हैं तो प्रजनन सिद्धांत की हम यहाँ बात करते हैं, या थॉमस डबले की बात करते हैं तो आहार या खाद्य पूर्ति के सिद्धांत की हम बात करते हैं, या जब सेडलर की हम बात करते हैं तो डेंसिटी एंड फैगुरिटी की प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, घनत्व और संतुलन उत्पादकता के बीच में क्या संबंध है, पुस्तक के संदर्भ में भी सवाल पूछ जा सकता है, लॉ ऑफ पॉपुलेशन या रिकार्डो की जो थ्योरी है पॉपुलेशन वो किस के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर हमने बाजार की बात की, नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ मार्केट सिस्टम की हमने बात की। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपसे जनसंख्या भूगोल से जुड़े हुए सवाल आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें लगे कि लोगों को हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो उनको समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से हम आपको बेहतर जो वीडियोस हैं वो शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद।